गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है तुहाडा सब दा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद कर दिया कि सारे वधिया होणगे और सुरक्षित होणगे। सब तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भुल्यो, ठीक है? जिन्होंने हले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सो मस्ट सबसक्राइब टू अवर चैनल। अगर डिस्कशन पसंद आई होवे, मतलब जो भी असीं पहला वीडियोज़ बनाने और जो अज दी वीडियो है वो पूरी देख के तुसीं जाना, क्योंकि अज दी वीडियो दे विच आपां कुछ अहम गल्लां करन वाले आ थोड़े नाल जो इंपोर्टेंट है, ठीक है? पहला तो थोनों जिमें सबनों पता ही हैगा कि कल धरना लग्या सी ईटीटी टेट पास विद्यार्थियों का संगरूर विच, जिदे विच की आ कि मुख्यमंत्री दी रिहायश का घिराओ भी किया सी। ते उहदे च हुण एक नवीं चीज़ जिहड़ी निकल के सामने आ रही है, मैं तुहानूं पैनल मीटिंग का भी सारा दसूंगी, लेकिन एक होर चीज़, एक होर फैक्ट जो कि मैं भी काफ़ी देर तो मतलब ग्रुप्स दे विच और उन भी मैं देख रही हाँ। तुसी मेरे थंबनेल तो जज कर चुके होगे कि मैं किदी गल कर रही हाँ। 2018-20 वाले कैंडिडेट्स ते तलवार लटक रही है कि जो बैच 2018-20 सी एक्चुअली उन्हां दा मुद्दा की है वो मैं तुहानूं सारा कुछ दसूंगी कि वो एलिजिबल है या नहीं, ठीक है? लॉजिकली की बन रहा है। सब तो पहला ये चीज़ भी जो आपां गल कर रहे सी, नवां केस लगा वो केस यही है 2018-20 का। बेसिकली की है, 2018-20 दे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है 6-8-35 वास्ते, और ये मतलब ये जड़ी गल है ये कही गई सी पटीशन, मतलब जिन्होंने केस लगाया, ठीक है? पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने सिक्ख्या विभाग नूं 6-35 एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग अध्यापकों की भर्ती की सूची में आए अयोग ईटीटी उम्मीदवार, अयोग ईटीटी उम्मीदवार ये किनू किया जा रहा है? अयोग ईटीटी, जिन्होंने ईटीटी भी की, और जो अयोग है कौन है वो अयोग 2018-20 कैंडिडेट्स नूं कह रहे हैं, ठीक है? छांटी करन दी मंग ते फैसला लैण दी हदायत कीती है। जिहड़ी कोर्ट है उन्होंने ही डिपार्टमेंट नूं ये गल कही है कि जिहड़े अयोग कैंडिडेट्स है जिन्हां दी योग्यता नहीं बन रही और अपने आप नूं योग कह रहे हैं, ठीक है? इस एक पटीशन विच दोष लगाया गया सी कि अनेक उम्मीदवारां नूं योग्यता पूरी ना होण दे बावजूद टैट विच मौका दिता गया ते टीईटी पास इन्हां कथित अयोग उम्मीदवार ईटीटी की भर्ती लई बिना कीता ते हुण इह उम्मीदवार ईटीटी भर्ती की सूची में आ गए। मतलब पहला उन्होंने टैट दिता वो एलीजिबल नहीं सी। बेसिकली पीएस टैट देने वास्ते की होना चाहिए, अपने को पहले साल का रिजल्ट होना चाहिए, चाहे वह बीएड है चाहे वह ईटीटी है। बाद च पंगा पैना ही पैना इस गल का, थोनों भी पता है। लेकिन कई कैंडिडेट से 2018-20 दे विच, मैं थोनों अगर दस दें जो ईटीटी 2364 की भर्ती निकली सी 2020 की गल है, ये तो उदों ही 2018-20 का सैशन चल रहा है, तो उदों फस्ट ईयर के पेपर हो चुके से। उस तो बाद की होया कि इन्होंने टैट निकलिया से उदों पी एस टैट, तो उदों इन्होंने भरया, हजे इन्हों को रिजल्ट नहीं सी। सो मुद्दा इतों खड़ा होया कि ये अयोग कैंडिडेट्स ने तो ये क्यों आ रहे हैं। एक हिसाब नाल देखा जाए कोर्ट की गल सही है, क्योंकि ये एलीजिबल नहीं है कैंडिडेट्स। मैनू पता कई जो 2018-20 वाले मेरे तो सुन रहे हैं उन्होंने बहुत बुरा लग्या होएगा मेरी गल सुन के और नैगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन जिस तरह मैं थोनों कहा कि 2018-20 कैंडिडेट्स जोड़े है वो 2364 भी नहीं एलीजिबल है, क्योंकि तो पता ही है 2364 तो है ही नहीं एलीजिबल, लेकिन हूँ इन्होंने 6-35 भी उन्होंने कटना है, ठीक है? एक तरफ नाल देखिए तो डिपार्टमेंट तो ये आ चुके हैं भी हूँ जोड़े अयोग है उन्होंने कढ़ देन, ठीक है? पहला उन्होंने स्क्रूटनी इन्होंने करवा ली, लेकिन वो एलीजिबल नहीं है। इस करके एलीजिबल नहीं क्योंकि उन्होंने पी एस टैट जोड़ा है उन्होंने मतलब कि पहला देता हजे रिजल्ट उन्होंने है नहीं सी, वो अयोग सी। लेकिन गल कैंडिडेट्स की भी सही है कि पी एस टैट इन्होंने कढ़े इन्ने टाइम बाद कि गलती कसूर साडा है नहीं, ठीक है? उस तो बाद इन्होंने हूँ कढ़िया, सो गलती की दी है तो तुम खुद ब खुद सियाने हो भी, मतलब साढ़े नाल भी धक्का हो रहा है ना। एक तरह ना देखा जाए अपने आप में योग्यता पूरी करने का दावा करने वाले पटीशनर ने हाई कोर्ट को मांग की कि विभाग में ईटीटी के कथित अयोग उम्मीदवार की छांटी करने की हदायत की जाए। हुण पटीशनर एक होर अर्जी दे के मांग की कि पटीशन वापस लैण की इजाजत दी जाए, पर नाल ही पटीशन विचली मांग नूं लैके सिक्ख्या विभाग नूं भेजे गए कानूनी नोटिस से फैसला लैण की हिदायत की जाए, तो इन्होंने वो गल्लां दसियां हुई हैं। बाकी जो फैसला आएगा वो बारे थोनों दस देंगे, लेकिन हजे इन्हां ते जो लिखे भी कैंडिडेट्स एलीजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं थोनों दस चुकी हूँ। हूँ एक होर चीज़, सरकारी स्कूलों में 2 साल से भर्ती नहीं बच्चे अध्यापक दो क्लासेस। पहली गल इतने रोंग है, 2 साल नहीं 5 साल, 5 साल तो कोई भर्ती नहीं हो। 2016 थोनों पता होना चाहिए
2016 आई थिंक 2017 तो हूँ देख लो 2022 चढ़ गया, एक भी भर्ती ना 2018 2019 20 21 चले गए साल, कोई भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं की। ठीक है, हूँ ये कहें भी साढ़े गौरमेंट स्कूल के बच्चे वध तो वध लैके आइए, असं इन्हें एनरोल करिए, किवें एनरोल करोगे थोड़े को टीचर्स की इन्नी भारी कमी है। हूँ एडमिशन के दिन है तो ना थोड़े को टीचर्स है ना, क्योंकि इन्ने टीचर्स होर काम के बिजी है, पढ़ाने का कौन है, कोई नहीं पढ़ा रहा। गौरमेंट स्कूल का यही बुरा हाल इस गल करके हो रहा, टीचर्स नहीं होंगे जिन्हें तक उन्नी देर तक कुछ भी नहीं होना, देश नहीं सुधर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ अपनों कल पैनल मीटिंग का मिलिया से, जो आप धरने लगाए से कि 12 अप्रैल में थोड़ा पैनल मीटिंग दी जा रही है अपने सिक्ख्या मंत्री ते सिक्ख्या सकत्तर नाल। हुण पैनल मीटिंग च किहड़े किहड़े वड्डे मुद्दे रहणगे, सब तो पहला 6635 की जॉइनिंग, सारा कुछ हो चुके हैं, तुसी अपना जो का डिपार्टमेंट ने करना है वो करके फाइनल मैरिट लिस्ट कढ़ो ते ऑफर लैटर दो ताकि असी भी अपने अपने स्टेशन से जाके पढ़ाईए। ठीक है, दूसरी चीज़ होर मुद्दे रहणगे, नवी भर्ती का नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, ओवरएज कैंडीडेट्स की गल रहेगी, होर भी काफ़ी सारे मुद्दों के बारे गल होगी। ठीक है, तो हूँ इन्हों बी एड न बहर क्ढन का और जो स्टे लगी उन्होंने तुड़वा का अपने तो ही है सारा, क्योंकि 18 अप्रैल में अपना फैसला भी आ। ठीक है, तो उस तो पहला जो पैनल मीटिंग के अगर एक बार सिक्ख्या मंत्री ने कुछ कहता तो वह गल फॉलो होगी। ठीक है, अगर सरकार अपने कह दे है ना कि स्टे तोड़ो या सानू टीचर्स की भारी कमी आ रही है, असं टीचर्स की भर्ती करनी है तो क्यों नहीं मंगे, स्वीकार होगी, जरूर स्वीकार होगी, लेकिन कह ही नहीं रहे हैं सरकार। ठीक है, हूँ 18 अप्रैल में स्टे तुड़वाने वास्ते ही यह धरना लगाया गया से कल, अगर लोड़ पई तो इस तो भी मतलब तिखा संघर्ष जोड़ा है वह किया ETT यूनियन ने, तो अपन यह है भी अपनों जल्दी तो जल्दी रुजगार मिले, बहुत टाइम हो चुके हैं, हूँ तो सबनों आए हो गया भी असं कुछ होर कर लिए है ना, क्योंकि ये तो कुछ फायदा नहीं है। बेसिकली गल करिए प्राइवेट स्कूल पढ़ाने का भी थोड़ा सारे पता ही कि हाल है, सो बस यही कहूँगी कि किन्ना चिर आप वेट करिए है ना, आप जून तक वेट करिए कि जुलाई तक वेट करिए, क्योंकि 635 साल हो जूगा उस तो बाद फिर है ना, तो अगस्त च साल हो जूगा इनू भी इस भर्ती भी, तो देखते हैं की बनता, लैट सी, बस यही है, कमर कस लो हूँ आप सारिया तैयारियां करनी, क्योंकि सरकार बन चुकी है, सब कुछ हो चुके हैं, हूँ अपनों काम कंप्लीट करवाना पेगा, बाकी अगले दिनों देखते हैं की बनता। सो कनैक्ट रहीओ, साढ़े नाल जुड़े रहीओ। ठीक है, जो भी कोई अपडेट होंगे थोड़े नाल दी नाल जिहड़े है शेयर कर देंगे।